फ्रेंड्स, स्वागत है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, अप स्टडी के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और कंटिन्यू जो हमारी क्लासेस चल रही है उसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्लास आज लेके आए हैं। पार्ट 3 जो है हमारा, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जो है उसका पार्ट जो 3 है वो है। और इसमें जो हमने पहले जो पढ़ा है ना, पहले वाली क्लासेज अपनी नहीं देखी है तो आप जा सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमारा है वो आप देखोगे तो इसके बाद ये 3 वाला जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्लियर होगा आपके। और उनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना आप इस मेहनत का फायदा उठाए और आने वाले एग्जाम्स में आप क्रैक करें, है ना। हम भी उम्मीद करते हैं, ठीक है ना, कि आप कहीं ना कहीं आप अच्छे जॉब में, अच्छे पोस्ट के ऊपर जाए। ठीक है ना, तो हमारे जो, जैसा कि आप देख रहे हो टाइटल, एसएससी एलडीसी सीटी स्पेशल क्लासेज हैं और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेज जो हमारी है चल रही है, उसी के अंदर बेसिक जो सीरीज थी उसी में हमारी 3rd क्लास जो है ये आने वाली है। और इसके बाद जो भी है बेसिक्स की जो है क्लास, 1-2 क्लास और होगी और उसके अंदर जो भी होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको मैं लेके चल रहा हूँ, हालांकि डिटेल से नहीं बता रहा क्योंकि बेसिक है। बेसिक का मतलब ये होता है जो हमें कॉमन जो चीजें होती है उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या, मतलब ये चीजें लेके चल रहे हैं। तो देखिएगा, इसके बाद हम चलते हैं आगे। देखो, अब जो पहले जो मैंने मतलब बताया आपको कि पहले जो है क्या हमने किया, ठीक है ना, उसके बारे में देख रहा हूं। देखो, अब यहां पर जो पिछले वाली जो क्लास थी हमारी उसमें जो लास्ट का जो है पार्ट वो बताऊंगा आपको कि हम देख रहे थे फाइनाइट वर्ब्स और फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है ना। अब उसी के अंदर हमने देखा फाइनाइट देख लिया, नॉन फाइनाइट के जो 3 टाइप्स मैंने बताए थे आपको, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स और जेरेंड के रूप में। इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल और जेरेंड के रूप में, ठीक है ना। पार्टिसिपल्स में हमने पार्टिसिपल जो थे उनके 3 जो थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। और भी ज्यादा डिटेल से आपको देखना है तो आप जा सकते हैं और पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें V1 + ING था। दूसरा जो था वो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है ना, इसमें V3 था। और तीसरा जो है हमारे पास है परफेक्ट पार्टिसिपल, जो सामने देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर। ये पार्टिसिपल्स का 3rd टाइप है। अब इसमें क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल्स में, जो मैंने आपको बताया था हैविंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म आपको मिल गई तो इसका मतलब ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसके एग्जांपल से आप देख सकते हो, सामने हैविंग लिखा हुआ है, V3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसी प्रकार से हैविंग स्टूड लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये भी क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आराम से, ये हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बाद देखते हैं आगे, अब आता है जेरंड। जेरंड क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। जेरंड जो है हमारे सामने, है ना, देखो जेरंड जो है ये क्या है, नाउन, एक नाउन है मेड फ्रॉम V1, मतलब वर्ब की 1st फॉर्म, उसके साथ ING लगाए, यूज जिसका प्रयोग किया गया एज ए नाउन इज कॉल्ड जेरंड। यानी जो नाउन मेड फ्रॉम, ऐसा नाउन जो मेड फ्रॉम वर्ब की 1st फॉर्म प्लस ING से बना हो, यानी वर्ब हो उसके साथ ING लगी हुई हो और वो नाउन बना हुआ है, उसका प्रयोग जो है ना किया जाता है एज ए नाउन और उसी को ही हम क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं। अब देखो, पार्टिसिपल में हमने देखा V + ING, यानी वर्ब की 1st फॉर्म प्लस ING, तो इसका मतलब ये जो है ये मतलब मैन वर्ब का काम भी कर रही थी टेंस के अंदर, ठीक है ना, और एज ए नाउन का काम भी, मतलब सॉरी नाउन का नहीं, एडजेक्टिव का काम भी कर रही थी वहां पर ये, ठीक है ना। तो हमने ये देखा। इसके बाद जो है ये जेरंड है। जेरंड के अंदर है ना, ये नाउन का काम करेगा, नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, नाउन का काम करेगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन हो सकता है या वर्ब हो सकता है, वर्ब हो सकता है या नाउन हो सकता है। तो यहाँ पर मतलब सॉरी नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। तो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ये नाउन है, रीडिंग जो है ना नाउन है। अब आप बोलोगे सर रीड तो मैन वर्ब है, इसके साथ ING लगा हुआ तो ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आना चाहिए। अरे आना चाहिए लेकिन इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगा तब आएगा ना। ये यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, एज ए नाउन काम कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जेरंड है। यहाँ देखिएगा रीडिंग या 1st फॉर्म है। और ध्यान रखना कभी भी यदि V1 के साथ ING लगा हुआ है इसका मतलब एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। इम्प्रूव के साथ SES लगा हुआ है, आवर नॉलेज, ठीक है ना, तो समझ गए होंगे। ये क्या है, जेरेंड है, यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है और वो यदि सब्जेक्ट का काम कर रही है या नाउन का काम कर रही है तो इसका मतलब वो जेरेंड है। इसके बाद देखिएगा ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइव यानी चलाना होता है, वैसे आईएनजी लगा हुआ है तो इसका मतलब जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना ये वर्ब है और इसको हम क्या बोल सकते हैं, जेरेंड बोल सकते हैं, जेरेंड फ्रेज। वॉकिंग स्टिक जेरेंड फ्रेज हो सकती है, ठीक है ना, वॉकिंग मैन, वॉक मैन वर्ब, इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। अब देखिएगा ये एग्जांपल आपको देखना होगा, ये ए वॉकिंग स्टिक, देखिएगा ए लगा हुआ है यहाँ पे, ए वॉकिंग स्टिक। अब देखिए ये अलग, थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है ना स्टिक की विशेषता बता रहा है, ए वॉकिंग यानी चलने वाली स्टिक, है ना, तो यहाँ पर जो है ना ये ए आ रहा है, एडजेक्टिव है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा, ठीक है, किसका काम करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, यहाँ नाउन का काम नहीं कर रहा है, ये वॉकिंग नाउन का काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो और भी दे रखे है मैंने कुछ इसके जो है, स्टॉप वर्किंग। अब देखो वर्क है यहाँ वी मतलब एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, दे स्टॉप ये वर्ब है, यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी नाउन जो है, नाउन ऑब्जेक्ट, नाउन का काम कर रहा है, मतलब वर्क के साथ आईएनजी लगा हुआ है और जेरेंड है, ये क्या है, जेरेंड है। इसी प्रकार से ही ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फिनिश जो है ना यहाँ डू मैन वर्ब है और आईएनजी लगा हुआ है तो इसका मतलब ये भी जेरेंड है, ठीक है, नाउन का काम कर रहा है। इसके बाद देखिए द ताजमहल इज ए वॉथ वॉचिंग प्लेस, वॉचिंग प्लेस। अब इसके लिए कुछ रूल्स है, ठीक है, यहाँ वॉथ आया ना इसकी वजह से वॉचिंग आया ये। इसी प्रकार से हिलेरियस जॉक्स आई कुडंट हेल्प लाफिंग, ये कुडंट आया ना इसकी वजह से यहाँ क्या है, लाफिंग आया, यानी ऐसी वर्ब या एक्चुअली वर्ब्स आएगी तो वो वर्ब मैं बताऊंगा। यहाँ फील लाइक आया इसकी वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है, यानी स्पेशल रूल है ये, ठीक है। यूज ये देखिएगा यहाँ पर है इट्स नो यूज, ये जो है ना इसकी वजह से यहाँ पर गोइंग आया, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्पेशल रूल है जो बताऊंगा जो हमारे जेरेंड से रिलेटेड है, ठीक है। आप इसको एक बार ये देख लो फिर उसके बाद वापस आना। क्या है देखिएगा ये दे रखा है, नीचे दिए गए वर्ब एंड वर्बल फ्रेजेस के बाद अगर कोई अन्य वर्ब आता है तो वह जेरेंड प्लस वी प्लस आईएनजी के रूप में प्रयोग होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ इसका प्रयोग होगा। कैसी कंडीशन में, यानी ये जो वर्ब्स दे रखी है एडमिट, अप्रिशिएट, अवॉइड, कंसीडर, ठीक है ना, कंटेम्पलेट, डिले, डिने, फील, लाइक, एंड्योर, एंजॉय, एस्केप, एक्सक्यूज, फेस, फैंसी, फॉरगिव, इमेजिन, ये जो वर्ब्स है ना ये दे रखी है, यदि ये आपको मिलती है तो इसका मतलब देखिएगा कांट स्टैंड दे रखा है, इट इज नो यूज, ठीक है, इट इज पॉइंट, सेंस, ठीक है ना, वॉथ, ये दे रखा है, डिजर्व, नीड, रिक्वायर, ये जो वर्ब दे रखी है ये वर्ब्स यदि आती है तो इसका मतलब इसके बाद जो आने वाला होगा ना, मतलब जो वर्ब होगी वो जेरेंड का काम करेगी, वी वन प्लस आईएनजी का प्रयोग, मतलब आईएनजी का काम करेगी, तो हमें कैसे करना। अब एग्जाम्पल हम पीछे जाते हैं, ये एग्जाम्पल ये रूल है हमारा, ये रूल हमने देखा, देखो सॉरी देखेंगे। अब यहाँ देखो यहाँ आ रहा है कुडंट हेल्प, कुडंट हेल्प की वजह से यहाँ पे क्या है, लाफिंग, यानी इसके साथ वी प्लस आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे, जेरेंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर फील लाइक आए तो वी प्लस आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ पर इट्स नो यूज आए तो इसका मतलब आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ये रूल है हमारा। वॉट आया, ठीक है ना, तो इसके साथ क्या आएगा, आईएनजी का, वी प्लस आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे। तो ये रूल मैंने आपको बता दिया, ये आप इसको देख सकते हैं और लिख लेंगे और आपको और भी समझ में आ जाएगा। अब ये जो हमारे एसएससी और एनडीए के अंदर एग्जाम क्वेश्चन आया गया, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखो यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर नो एरर। अब यहाँ पर आपको दे रखा है क्या ऐसी वर्ब है क्या इसके अंदर जो रूल मैंने बताया उससे रिलेटेड है। देखो शुड यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, अवॉइड जो है वर्ब है ना, बिल्कुल। अब सीधा सीधा दे रखा है अवॉइड यदि होगा तो इसके बाद यदि कोई वर्ब आती है तो वो जेरेंड का काम करेंगी, वी प्लस आईएनजी का काम करेंगी। तो बताओ अवॉइड के बाद क्या दे रखा है, अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर, बताओ क्या आएगा आंसर, ट्रेवल, बताओ आंसर क्या आएगा इसके अंदर। यानी यहां पर जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म, मतलब आईएनजी फॉर्म आएगा, ट्रेवल का मतलब ट्रैवलिंग, तो शुड अवॉइड ट्रैवलिंग, नॉट टू ट्रेवल, इन्फिनेटिव नहीं आएगा, जेरेंड आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, ये इसी से रिलेटेड है। इफ ए थिंग इज वर्थ डूइंग एट ऑल इज वर्थ डन वेल। अब देखो यहाँ पर हमने देखा इफ ए थिंग सही है, इज वॉट आ रहा है, ये आते हैं ना इसके साथ आईएनजी फॉर्म, बिल्कुल सही है जेरेंट। एट ऑल, इट इज वॉट, फिर से वॉट आ गया। अब देखो यहाँ V3 दे रखा है, लेकिन इस वॉक के साथ V3 थोड़ी आएगा, V प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से मैंने बताया आपको, देख सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं। अब देखो, अब इसी में से सेकंड जो पार्ट है वो है क्या है, देखो मैं आपको डिटेल से मैंने बताया इसको, है ना। थोड़ा सा जो जेरेंड और पार्टिसिपल्स बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन होता है, इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, थोड़ा सा डिटेल्स दे दिया, ठीक है। तो समझने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे बता रहा हूँ, वैसे ज्यादा फास्टली नहीं है। सेकंड देखो, नीचे दिए गए वर्ब्स के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वह जेरेंड फॉर्म में ही रहेगा या इन्फिनेटिव में, या तो जेरेंड फॉर्म में रहेगा यानी वी प्लस आईएनजी, या तो या फिर इन्फिनेटिव रहेगा। अब देखिएगा, एडवाइस, अलाउ, बिगिन, कंटिन्यू, फॉरवर्ड, है ना, ये इंटेंड, लाइक, लाओ, परमिट, ठीक ना, रिग्रेट, रिमेंबर, सी, स्टॉप, ट्राई, वॉच, है ना, ये जो वर्ब है ना, ये यदि आती है तो इसके साथ क्या होगा, या तो इन्फिनेटिव होगा या फिर जेरेंड होगा, ठीक है ना। देखिएगा दोनों हो सकते हैं, मतलब बोथ, वी कैन यूज बोथ, ओके। देखो बिगेन, बिगेन आया, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन है। टू प्ले, बिल्कुल इन्फिनेटिव है, सही है। अब इस बिगेन के साथ प्लेइंग भी आ सकता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसको हमें लर्न करना है। इसके बाद जेरेंड भी आ सकता है और V1 प्लस आईएनजी यानी इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों आ सकते हैं। इसी प्रकार से चिल्ड्रन, स्टार्ट जो वर्ब है ऐसी वर्ब है जिसके साथ आईएनजी भी आ सकता है और टू मेक यानी इन्फिनेटिव भी आ सकता है। लव जो है ऐसी वर्ब है जिसके बाद इन्फिनेटिव भी आ सकता है और जेरेंड भी आ सकता है, यानी वी प्लस आईएनजी का प्रयोग भी आ सकता है। आई लव टू प्लेइंग क्रिकेट, यानी खेलना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, है ना, देखो आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, आई स्टॉप टू स्मोक, यानी इस स्टॉप के बाद स्मोकिंग यानी जेरेंड भी आ सकता है और स्मोक के बाद टू इन्फिनेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों इसका यूज हम कर सकते हैं और देख लेंगे आप। इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने सामने है। द गवर्नमेंट शुड नॉट स्टॉप टू स्पेंडिंग मनी एंड आर्म्स एंड एम्यूनिटेशन इन द बैक ऑफ द प्रेजेंट स्ट्रेंड रिलेशंस, ठीक है। बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, फोर ऑप्शंस है, यहाँ पर हमें जो रूल हमने बताया उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। देखो, शुड नॉट स्टॉप टू स्पेंडिंग मनी एंड आर्म्स एंड, देखो ये तो हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मैन वर्ब है। अब यदि इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मैन वर्ब कोई आती है, स्टॉप के बाद, ये तो है हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब होगी। इसके बाद यदि कोई मैन वर्ब आती है और उस मैन वर्ब का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो देखिएगा दोस्तों, पहली बात तो ये है 100% टू के साथ V1 आता है, टू के साथ आईएनजी नहीं आती है, यानी जेरेंड का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो टू स्पेंडिंग नहीं होगा, या तो टू स्पेंड होगा, नहीं फिर स्टॉप की वजह से, ठीक है ना, यहाँ पर V प्लस यानी जेरेंड का प्रयोग होगा तो स्पेंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेंडिंग यहाँ पर प्रयोग होगा। तो शुड नॉट, इसके अंदर से हमें मतलब देखना है कि क्या होगा इसके अंदर। देखो इसमें, देखो अब यहाँ एग्जाम में हमें यहाँ अंडरलाइन देख के देखा, इसमें सुधार के बताओ भाई साहब क्या है, क्या आना चाहिए। यहां तक तो अब जो हमारे पास है, शैल नॉट बी स्टॉप्ड टू स्पेंड, बताओ ऐसा आ सकता है क्या, शैल नॉट बी स्टॉप्ड, क्यों, क्योंकि एक्टिव सेंटेंस है। दूसरी बात, शैल नॉट भी तो आएगा नहीं, शुड दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो विल नॉट स्टॉप टू स्पेंड, ये भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। और नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सामने आ रहा है, स्टॉप के बाद आईएनजी यानी जेरेंड आना चाहिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब देखो दोस्तों हम वर्ब की बात कर रहे थे, देखो वर्ब की हम बात कर रहे थे, वर्ब के अंदर हमने देखा स्टार्टिंग में, दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स जो टेंस और नंबर जेंडर इनके अकॉर्डिंग चेंज होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी होती है जो इसके अकॉर्डिंग मतलब वो टेंस या मतलब सब्जेक्ट या उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस वर्ब के ऊपर, ठीक है ना। तो वो इन्फिनेटिव, और मैंने बताया आपको, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 टाइप्स की, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल्स और जेरेंड होती है। इन्फिनेटिव के बारे में बताया, बेर इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव यानी टू के साथ आता है या टू नहीं लगा होता है, कई बार ऐसा भी होता है। इसके बाद हमने बात की किसकी, पार्टिसिपल्स की, और पार्टिसिपल्स के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की हमने बात की। इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल के बाद हमने देखा जेरेंड, और जेरेंड जो है उसके बारे में भी हमने देखा, यानी नाउन का काम करता है, वी1 प्लस आईएनजी से बनता है, ठीक है ना, नाउन का काम करता है। और कुछ वर्ब्स हमने देखी जिन वर्ब्स के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, देखिएगा ये भी एक वर्ब का ही टाइप है, उसकी भी हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, ट्रांजिटिव को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक, क्या बोलते हैं? सकर्मक। और इसको बोलते हैं अकर्मक। इसको समझने का प्रयास करें। कर्म का इंग्लिश होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है? ऑब्जेक्ट, क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और कर्म का क्या होगा इंग्लिश? ऑब्जेक्ट। यानी से का मतलब विथ, साथ, यानी जिस सेंटेंस में जिस वर्ब के साथ यदि ऑब्जेक्ट हो, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव होगी। इंट्रांजिटिव, ए क्या मतलब होता है? बिना। कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिना यदि कोई वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव होगी। ए वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ए वर्ब दैट डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर हम बात करें तो देखो, यहां पर हम बात करें तो इस पेज की देखो, अब यहां पर हमारे सामने दे रखा है क्या? He ate all the tomatoes. She went back yesterday. He stopped the car. She cried. अब ऑब्जेक्ट हमें फाइंड करने के लिए what या whom यदि हम वर्ब के साथ लगाएंगे, वर्ब के साथ यदि what या whom लगाएंगे, then आंसर जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। He ate all tomatoes. अब देखिएगा उसने क्या खाए? ऑल टोमेटोज। इसका मतलब ये वॉन्ट से आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ड जो हो गई ये टीवी हो गई। टीवी का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और वेंट बैक जस्टरडे, वेंट बैक जस्टरडे, बताओ सी वेंट बैक जस्टरडे, क्या व्हाट या हुम से आंसर आएगा? कहाँ गया, कब गया, कब से आंसर आ रहा है? वेन से आ रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, आईवी है। कौन सी है? आईवी है। इसी प्रकार से ही स्टॉप द कार, उसने कार रोकी। क्या रोका या किस, क्या मतलब किस, क्या रोका उसने? किसको रोका? कार को। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो ये कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव। स्टॉप ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और ध्यान रखना ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही ऑब्जेक्ट बनता है। इसके बाद सब्जेक्ट है ये, और ये वर्ब है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो टीवी ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आईटीवी बोल सकते हैं इसको, आईवी बोल सकते हैं, आईटीवी बोल सकते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप पीछे जाकर इसको दोबारा से देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और अब जो आगे हमारी क्लास होगी उस क्लास की मैं बात करूं तो इसी के अंदर जो हमारा होगा वो पैटर्न होगा, है ना। सेंटेंस जो पैटर्न है, सेंटेंस जो पैटर्न है वो होगा। सेंटेंस पैटर्न का मतलब सेंटेंस पैटर्न्स जो होगा उसको हम देखेंगे डिटेल से। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट भी होता है कई बार। तो ये सारे जो है ना इसके बारे में हम और देखेंगे कि एक सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, ये भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाइएगा और सभी को इसका बेनिफिट मिले, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और आप भेजोगे, ठीक है ना। और देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।